वेलकम बैक, यू वॉचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक गेम खेलूंगी। इस सेगमेंट का नाम है लगाई बुझाई सेगमेंट। इस सेगमेंट में मैं आपसे सवाल करूंगी और आप लोगों ने एक जवाब देना है, मगर कुछ ऑप्शंस जो होंगी उसमें से एक ऑप्शन पिक करते हुए। बतिन साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं, आपके ख्याल में कौन सी अदाकारा एक्ट्रेस के बजाय रिश्ता कराने वाली माई लगती है? ऑप्शंस में है रुबीना अशरफ, सबा हमीद जी या फिर हिना दिलपजीर। हिना दिलपजीर। आए हाय, हिना दिलपजीर जी। बातिन साहब हमारे शो पे आपके लिए कह रहे हैं कि आप रिश्ता कराने वाली माई लगती हैं। आप एक्टिंग छोड़ दीजिए, आप रिश्ता कराया कीजिए, क्योंकि आपको स्क्रीन पे देखकर हम सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे आप अपने डायलॉग भूल जाती हैं। और ये भी कह रहे हैं कि कंवल आफ्ताब जो है वो भी शादी करना चाह रही है, तो इस हिसाब से पहली क्लाइंट मैं आपको दे रही हूँ ना, आप इनको कॉन्टेक्ट कीजिए। हिना दिलपजीर जी, कंवल, ओवर टू यू। किस होस्ट को अब होस्टिंग छोड़कर कुछ और काम करना चाहिए? निदा यासिर, फराज सादिया या फिर नातिया खान? निदा यासिर मेरे ख्याल से। निदा यासिर को अगर होस्टिंग छोड़ के काम क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से घर बैठ के काम करें, ज्यादा बेस्ट है। निदा यासिर आपके लिए कवल कह रही है कि आप होस्टिंग छोड़ दीजिए, आपसे होस्टिंग नहीं चल रही, नहीं हो रही, जबरदस्ती की चीखम चिल्ला शो पे मत करें, घर बैठे घर पे अपने बच्चों पे जरा रोब जताया करें, चीखम चिल्ला किया करें, घर के काम किया करें, वो आप पे ज्यादा सूट करते हैं। आप तो बिल्कुल घर की ना माई लगती हैं, आप होस्ट नहीं लगती हैं। होस्टिंग छोड़ दें, मैं ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, उन्होंने ये भी कहा। नहीं नहीं, ये मुझे लग रहा है आपने मेरी कम अपनी ज्यादा भड़ास निकाली है। बासन साहब, इनमें से कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके साथ आप पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं गुजारेंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ या फिर शेख रशीद? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वो है नहीं ना यहाँ। नवाज शरीफ साहब, देखें आप के बारे में कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अच्छे सियासतदान नहीं, आपके साथ तो आवाम एक मिनट नहीं गुजारना चाहती है, तो मैं कैसे गुजारूं? जहां पर हैं वहीं रहें तो बेहतर है, यहां आएंगे तो हम आपके साथ एक मिनट भी नहीं गुजार सकते, हमें आप बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। ये किसने कहा है? कंवल, अगर मौका मिले भी तो किस हीरो के साथ कभी काम नहीं करेंगी? फवाद खान, शहरयार मुनव्वर या फिर आली जफर? शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपके लिए कंवल कह रही है कि मैं रिक्शे वाले के साथ काम कर लूंगी, किसी बैगर के साथ काम कर लूंगी, लंडा बाजार वालों के साथ काम कर लूंगी, लंडा में कपड़े भी बेच दूंगी, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगी, मेरे कैलिबर का नहीं है, क्योंकि मैं बहुत एलिगेंट स्टाइल से एक्टिंग करती हूँ और इसकी एक्टिंग में एलिगेंसी नहीं है, बड़ा ही कोई फटीचर एक्टर। अगर आपको किसी फ्रूट के अंदर बैठ कर कोई फ्रूट खाना पड़ जाए तो आप कौन सा फ्रूट खाएंगे? अमरूद, खरबूजा या फिर तरबूज? अगे थोड़ी हो रही है पाजल, तुसी नाल मस्के लगाई आ रहे हो। ये सवाल तुसी जड़े करन दे मेरे ते, ए तुसी जड़े कर कर जा रहे हो सवाल, ए तुसा माने किस किस्म के सवाल पे करने हो? इधर कहने कहने सुने सवाल पे करने हो, उधर कहने कहने सुने पे सवाल करने हो, इधर जाने जाने सोने पे सवाल करने हो, आले जाने सोना सवाल नहीं करना चाहिए ना, ऐंया करी शक्ल है ना, नहीं होई है ते मारे लड़की है जे सवाल पे कर रहे हो, मुरुदा के बेगा करने हो, ए क्या चपला पे मार रहे हो, खरबूजे के किसने, खरबूजे के बेगा करा किसे रोटी खाती है? गफार साहब बैठ जाओ आराम नाल, इंज लगदा हुदूद पागल हो गया। बोले छाना फसाने की छाना में, एक्सक्यूज मी, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। हमारा बेटा कितना बड़ा हो?